आपने जिन्हें सुना वो गायक नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के एक विधायक हैं। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी से आपके विधायक रोहित मेहरौलिया दिल्ली की गलियों में घूम घूम कर लोगों को कुछ इसी अंदाज में जागरूक कर रहे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। रोहित मेहरौलिया की कोशिश यही कि वैक्सीन को लेकर लोगों का भ्रम दूर हो और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। गिटार की धुन पर रोहित मेहरौलिया का ये अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और अपने विधानसभा क्षेत्र में रोहित अपनी टीम के साथ इसी तरह से घूमते हैं और लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील भी करते हैं। हमारे साथ खुद रोहित मेहरौलिया जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका रोहित एबीपी न्यूज में। लेकिन आपने जो गाना गाया है वो पहले दर्शकों को जरा हम सुनवा देते हैं। इना मीना टीका लगाओ भाई टीका, ये गजब की तुकबंदी रोहित आपने की है, ये कैसे ख्याल आया दिमाग में? देखिए अखिलेश, की माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने सभी विधायकों से सभी कार्यकर्ताओं से ये कहा कि आप गली गली जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण कराएं ताकि हम इस कोरोना की लड़ाई को जीत पाएं। तो हमने भी उसको माना और गली गली घूमना शुरू कर दिया। लेकिन देखने में आया कि जब हम घूम रहे थे, माइक पर अनाउंसमेंट कर रहे थे, तो लोगों को इतना ज़्यादा अपील नहीं कर रहा था। लोग सोच रहे नेताजी आए हैं गली में और कुछ भाषण दे रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होगा। लेकिन जब हमने इसको कुछ अलग ढंग में इसे गाने के रूप में और संगीत के माध्यम से उसी बात को कहा तो लोगों के दिमाग में भी पहुंचा और दिलों तक भी पहुंचा और लोग आज ज़्यादा संख्या में आगे निकल कर आ रहे हैं और अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है और तमाम हमारी टीम भी बहुत उत्साहित है कि हमारी इस पहल को आज इतना अच्छा लोगों का सहयोग मिल रहा है, लोगों ने इसको सराहा है, तो ये अच्छी बात है। साथ ही साथ हमारे को हम जिस उद्देश्य को लेकर चले थे आज उसको हम कहीं ना कहीं उसमें सफल हो रहे हैं। आज लोग हमारे खासतौर से हमारे त्रिलोकपुरी क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं और देखने में क्या है कि जब भी मैं कहीं गली मोहल्ले में इस तरह गाने के माध्यम से अपील करता हूं तो जैसे मेरा गाना खत्म होता है लोग बढ़ के मेरे पास में आते हैं कि विधायक जी पहली बार देखा है आप ऐसे गिटार बजाते हुए। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगाएं, लेकिन आपका गाना सुनने के बाद में अब हमने ठान लिया कि ज़रूर वैक्सीन लगवाएंगे और कोशिश करेंगे आज ये वैक्सीन लगवाएं। रोहित, दरअसल मैं भी आपको यही बात कहने वाला था कि किसी भी नेता जी का ये अंदाज मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ, इस तरीके से गिटार बजा बजा कर गाते हुए। ये शौक क्या बहुत पहले से है गिटार वगैरह बजाते रहे या अभी आपने सोचा कि चलो कुछ नया तरीका ढूंढते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए? बिल्कुल अखिलेश जी, मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत छोटी उम्र से म्यूज़िक में ही था और लगभग 14-15 साल की उम्र से स्टेज परफॉर्मेंस शुरू कर दिया था मैंने। और मैं एक प्राइवेट स्कूल में, कई स्कूल में मैंने जॉब किए। फाइनल जब मैं म्यूज़िक के तौर पे मैंने काम करा तो इंदिरापुरम में सेंट फ्रांसिस स्कूल में मैं टीचर था डीजीटी म्यूज़िक। अच्छा। और अशोका होटल, 5-स्टार होटल दिल्ली का, वहाँ मैंने लगभग 15 साल काम किया है कलाकार के तौर पे। इवनिंग में मैं 3 घंटे रोज़ाना वहाँ परफॉर्म करता था और दिन में मैं स्कूल में जॉब करता था। 2013 में मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी थी। आंदोलन के समय मैं ज़्यादा समय देना चाहता था पार्टी को और आंदोलन को, तो शाम वाला जो काम था मैंने उस समय छोड़ दिया था। तो अभी आपके आसपास गिटार वगैरह है क्या? हाँ बिल्कुल है, मेरे साथी भी कलाकार सब लोग साथ उधर सुनाइए ना। और आपको बता दूं कि एबीपी न्यूज़ के लिए अलग हमारे, हाँ बिल्कुल हमारे अपने, हाँ बिल्कुल मैं आपको सुनाता हूँ। और हमारी पूरी टीम यहाँ पर है और इसमें कुछ प्रोफेशनल कलाकार हैं जो हमारे अपने गली मोहल्ले के हैं और कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं जिनको हमने गाना सिखाया है।
तो अभी आप लोगों के सामने हम लोग इसको प्ले करने जा रहे हैं। तो ओके रेडी, टीम के लोगों को भी दिखाइए रोहित जी। ओके अच्छा, टीम के लोगों को भी दिखा दीजिए एक बार। हाँ चलिए, ओके रेडी, 1 2 3 गो। नमीन अडिका लगाओ भाई टीका, ए नमीन अडिका लगाओ भाई टीका, ए नमीन अडिका ढे डाय डामानिका मका नका 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 चिका पिका रोला रिका रम पम पोच रम पम पोल रम पम पोच रम पम पोल, ए नमीन अडिका लगाओ भाई टीका, ए नमीन अडिका लगाओ भाई टीका। अफवाहों पे तुम मत जाना, कोरोना को है जड़ से मिटाना, अफवाहों पे तुम मत जाना, कोरोना को है जड़ से मिटाना, बहाना बनाया तो मुश्किल बढ़ेगी, जो मुश्किल बढ़ेगी ना जिंदगी रहेगी, जागो रे जागो रे जागो रे जागो, एना मीना डिका लगाओ भाई टीका, एना मीना डिका लगाओ भाई टीका। कोरोना से डरने वालों जाकर तुम वैक्सीन लगवा लो, कोरोना से डरने वालों जाकर तुम वैक्सीन लगवा लो, टीका लगेगा तो जिंदगी रहेगी, जिंदगी रहेगी तो दुनिया रहेगी, जागो रे जागो रे जागो रे जागो, एना मीना डिका लगाओ भाई टीका, एना मीना डिका लगाओ भाई टीका। Ina mina dina dika de da da mani ka maka na ka maka na ka chika pika rola chika ram pam po chiram pam po ram pam po chiram pam po, hey ina mina dika lagao bhai dika, ina mina dika ina mina dika ina mina dika, hey ina mina dika ina mina dika, hey ina mina dika। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब रोहित, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि किसी नेता से मेरी बात हो रही है, इतना बढ़िया आप गा रहे हैं तुकबंदी। चलिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपको, अगर अच्छा लगा तो। जी जी, और देखिए अच्छी बात यह है कि अपने गाने के जरिए आप लोगों में जो अवेयरनेस फैला रहे हैं उसकी वाकई में अभी जरूरत है। कल ही एबीपी न्यूज पर हमने खबर दिखाई दर्शकों को कि एक बुजुर्ग महिला को जब टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे, वो घर के अंदर जाकर छुप गई थी डर के मारे। इतनी भ्रम की स्थिति है, तो जरूरी है कि अवेयरनेस लोगों के बीच जाए, जागरूकता आप फैलाएं। कोई और भी गाना कंपोज किया है क्या रोहित आपने? नहीं बिल्कुल, अभी जैसे ये हमारा गाना इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, लोग इतना बढ़ चढ़कर इसको प्यार कर रहे हैं, हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों हाथों से, तो हमारा भी मतलब उत्साह बढ़ा है। और निश्चित रूप से अभी हमने एक और गाना तैयार करने जा रहे हैं, आज ही उसके लिए कुछ सोचा है, तो जल्दी आपको वो भी गाना सुनने को मिलेगा जो बहुत अच्छा। जैसे आपको ये पसंद आया तो मुझे उम्मीद है वो भी, और आप सच्ची बात है कि हमारे इलाके में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब तबका यहाँ पर रहता है हमारी विधानसभा में, यह असमंजस्य की स्थिति लोगों के बीच में रही है, डर का माहौल रहा है, भ्रम की स्थिति रही है, तो आज ज़रूरत है लोगों को समझाने की, जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनको ये बताने की कि ये टीका पूरी तरीके से सुरक्षित है, प्रभावी है। अगर हमें इस कोरोना की लड़ाई को जीतना है तो टीका ज़रूर लगाना होगा, और ये टीका एक तरह से संजीवनी का काम कर रहा है।
बिल्कुल, और देखिए पोलियो को लेकर एक बार देश में कभी ऐसी स्थिति हुआ करती थी जब टीका लगाने के लिए लोग जाते थे या फिर टीका लगाने के लिए लाया जाता था, तो उस वक्त तमाम तरह की दिक्कतें थी, भ्रम की स्थिति थी, तो ऐसे में अवेयरनेस करके जागरूकता फैलाकर लोगों को समझाया बुझाया गया था। अभी कोरोना के मामले में इसकी वाकई में बहुत दरकार है। ये पहल आप व्यक्तिगत तौर पर कर रहे हैं, क्या सरकार भी इस तरीके से पहल करे इसकी जरूरत है, और क्या अरविंद केजरीवाल जी से आप कहेंगे? नहीं बिल्कुल, सरकार का पूरा सहयोग है, सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी रोजाना टेलीविजन पे आके लोगों से बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, अपील कर रहे हैं। तमाम हमारे विधायक कार्यकर्ता साथी भी बढ़ चढ़ के इस मुहिम में आगे आ रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं कलाकार हूं तो मैंने अपने कला के जरिए ही लोगों को ये संदेश देने की ठानी, और ये जो हमारा आइडिया था ये काम भी कर रहा है, तो इस बात की हमें बेहद खुशी है। और सरकार का भी सहयोग आगे निश्चित रूप से मिलेगा। सारे हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने मुझे बधाई दी है, तमाम नेताओं ने, माननीय डिप्टी सीएम साहब ने, तमाम नेताओं ने मुझे इसके लिए बहुत शाबाशी दी है, और आगे हमारी टीम का पूरा हौसला हमारी शीर्ष नेतृत्व की ओर से बढ़ाया जा रहा है। तो फिर से मेरी ये दरख्वास्त है कि आज जो हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, गा बजा रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़ कर सामने आए और टीका लगाएं। डरने की कोई बात नहीं है, मैंने भी टीका लगवा लिया है, मैं सुरक्षित हूँ। रोहित देखिए, त्रिलोकपुरी के लोगों को तो आप घूम घूम कर गाना सुना रहे हैं दिल्ली में, लेकिन इस वक्त आपको देश भर के लोग सुन रहे हैं एबीपी न्यूज के माध्यम से, तो मैं चाहूंगा कि जरा एक बार फिर से उनको आप ये गाना सुनाइए जिसमें ये बहुत ही अहम संदेश छिपा हुआ है। चलिए एक बार फिर से आपके लिए प्ले करते हैं शुरू से। ओके, तमाम देशवासियों के लिए मैं ये प्ले कर रहा हूँ गाना, और मेरे हाथ जोड़कर आग्रह है, दरख्वास्त है कि इस गाने को सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो टीका लगाने जरूर जाना। एक रेडी, 1 2 3 गो। लगाओ भाई टीका, लगाओ भाई टीका, बिना मिला दिन अडिका डेढ़ा एडा माने कमा कना कचिका पिका रोला रिका रंपंपो 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 बिना मिला अडिका, लगाओ भाई टीका, बिना मिला अडिका, लगाओ भाई टीका। अफवाहों पे तुम मत जाना, कोरोना को है जड़ से मिटाना, अफवाहों पे तुम मत जाना, कोरोना को है जड़ से मिटाना, बहाना बनाया तो मुश्किल बढ़ेगी, जो मुश्किल बढ़ेगी ना जिंदगी रहेगी, जागो रे जागो रे जागो रे जागो, एना मीना डिका लगाओ भाई टीका, बिना मीना टीका लगाओ भाई टीका। कोरोना से डरने वालों जाकर तुम वैक्सीन लगवा लो, कोरोना से डरने वालों जाकर तुम वैक्सीन लगवा लो, टीका लगेगा तो जिंदगी रहेगी, जिंदगी रहेगी तो दुनिया रहेगी, जागो रे जागो रे जागो रे जागो, एना मीना टीका लगाओ भाई टीका, एना मीना टीका लगाओ भाई टीका, ina mera din adika de da da mani kama kana kachika pikaro la rika ram pam po ram pam po ram pam po ram pam po, ina mera adika lagao bhai tika, ina mera adika ina mera adika hey ina mera adika ina mera adika ina mera adika ina mera adika ina mera adika। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, बहुत बढ़िया। और देखिए जरूरत इस बात की है कि ये जो आप पहल आपने की है रोचक तरीके से लोगों के बीच संदेश पहुंचा रहे हैं, देश भर में लोगों तक इसी तरीके से जन जागरण अभियान चलाया जाए टीके को लेकर,
क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, एकमात्र इलाज टीका है, तो लोग डरे नहीं, घबराए नहीं और जल्द से जल्द जिसका जब नंबर आ जाए टीका लगवा ले। बहुत बढ़िया पहल आपने की है, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद रोहित। ABP News आपको रखे आगे।